देवती सममते हरे श्री माधवक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नमः विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्थ चरित्राय स्वाश्रितानञ्च बालिने जीवदुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने नमयं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने हरिवार्षभानविदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्यजलप्रमाढ श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगभिरुधापसिद्धान्तदन्तहारिणे नमः गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौरवाविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते उपेशहविवेककान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिय वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवि सत्यवतये नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दावानल सम संसार दहनी दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दानी वंदिसे गुरु चरण कमल नृत गीत वाद श्रीहरि कीर्तने रहे नमगन महामत मणि रोमांच कंपासु हाय गौर प्रेमी वंदिसे गुरु चरण कमल सदारत जिनी विग्रह सेवने श्रृंगारदियार मंदिर मार्जनी करे ननी जुक्ता अनुगत जनी बंद से गुरु चरण कमल सर्वचो चल पेयर समय प्रसादन कृष्ण अति स्वादु है भक्त आस्वादनी निज तृप्त रहे बंद से गुरु चरण कमल राधा माधव नाम रूप गुनी अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लुब्ध चित जिनी अन प्रतीक्षणी बंदिसे गुरु चरण कमल सबंद रति संवर्धनी युक्ति करे सखी शनि वृंदावनी अति दक्षता है प्रियतम गनी बंदिसे गुरु चरण कमल
सर्वशास्त्रे गाए श्री हरि स्वरूप भक्तगण भावे से अनुरूप किंतु जिनी प्रभुर प्रियतम रूप बंदि से गुरु चरण कमल कहाय प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जार प्रसादे अन्न गति नाय रिसंध कीर्तिर सावधानी भाई बंदि से गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जत्न करी ब्राह्मी मूर्ति पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए सही वस्तु सिद्धि काल बंदी से गुरु चरण कमल गुण सिंधु गुरु चरण जय गुरु देव जय गुरु देव गुरुदेव जय गुरु देव जय गुरुदेव जय गुरु देव गुरुदेव जय गुरु देव वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गावना प्रथम वंदना करी सवार चरावना नीलाचल वासी जतो महाप्रभुर्गावना भूमि ते पड़ी आबंद सवार चरावना नवदीप वासी जतो महाप्रभुर्भक्त सवार चरण बंद अयानुराक्त महाप्रभुर्भक्त जत गौड़ा देश स्थित सवार चरण बंद करिया प्रणति जय देश वैसे गौरंगे रगाना ओर्धवाहु करी बंद सवार चरणा अयाचे नहिवना प्रभुर्जात दास सवार चरण बंद संते करी घास ब्रह्मांड तरीते शक्ति करे जन जानी एवद पुराणी गोना गाए जे वसोनी महाप्रभुर गाना सब पतित पवन साई लोभ मुई पावी लई नो सराना वंदना करी ते मुई कतो शक्ति भारी काम बुद्धि गोसे मुई दम्ब मात्र करी तथापि मुखेर भाग्य मनेर उल्लास गोसक्षमी माधमी कर निज दास सर्ववंत सिद्धि हरे जम बंध छोटे जगते दुर्लभया प्रेम धन लोटे मनेर वासन पूर्ण अचिरात आया देवकी नंदन दास लोभेखा जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री कृष्ण जय प्रभु नित्यानंद श्रियाद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी
सपार्षद सियो धाम सहावताई अचंत दुर्लभ प्रेम करी भार दान सिखाए शरणागति भक तेरा प्राण धनात्मनिवेदन गुप्तृते वरान अवश्य रखी बिन कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल कार्य रसुकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगिकार सारंग शरणागति हाइवे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार उपसनतन पद दंत तीर्ण करी भकति विनोद करे दो पद धारी कंदिया कंदिया बोले अमित धाम सिखाए चरणागति करहे उतम अय सचिन सपार्षद जय गौरहरी जय सपार्षद जय गौरहरी सपार्षद जय जीव जाग जीव जाग भोरा चंद बोले अतनिद्र जाओ माया पिशाची रखोले बलिया से संसार भितारे बोलिया रहले तुम्हें अभिद्यार तुम्हारे लयते आमी अनु अवतार आमी बिन बंधु बोलो के आचे तुम्हार एने चे औषधि माया नासी बार लागे हरि नाम महामंत्र लह तुम्हें भक्ति विनोद प्रभु चरणी परिया से हरि नाम मंत्र लैला मगिया जय सचिनंदन जय गौरहरी सचिनंदन जय गौरहरी नंदन जय गौरहरी आज कितने तारीख हो गया? आज हो गया 17 अच्छा दिन शनिवार पढ़वा हाँ इनकल जय जय हरि नाम जय जय हरि नाम जय जय हरि नाम सिदानंद मृत राम पर तत्व अक्षर आकार निज जन कृपा करी नाम रूप अवतरी जीव दया करी लेन अपार जय हरि कृष्ण नाम जग जन सुविश्राम सर्वजन मन सरंजन मुनि वृंद निरंतर जना मेर समादर हरियाए भरिया बदन ओहे कृष्ण नाम कर तुम सर्व शक्ति धर जीवेर कल्याण भीतर बिना भाव सिंधु उधारित नाही बंधु आ
आसिया च जीवा हो धरणे आच ताप जीवे जत तुम्हें सब करत हेलाया तुम्हारे एक बार राखे जदिपन जना ओए दिना किंचन नाही देखे अन्ना प्रतिकार तब स्वल्प स्फूर्ति पाए उग्र ताप दूरे जाय लिंग भंग है अनयासे भक्ति विनोद कर जय हरि नाम जय पड़ी था कि तुआ पद जय हरि नम जय हरि नम हरि नम जय हरि नम जय हरि नम जय हरि नम हरि नम जय हरि नम निताई गो नमनिया मिताई गो नमानी अनिया प्रेमर बन फसल प्रेमर बन लैया नीतल अला गौर दे से तो बिला भकत गन दिनाही न भाते दिनाही न फते न पा मरनाही बाछे ब्रह्मार दुर्भावा प्रेम हवा कार जाते आवध करुणा सिंधु कटिया मुहाना घरे घर बोले प्रेम अमी आर बाना लोचन बोले मोर नितय देवना बजीला जानिया सुनिया से आत्मघाति है दयालिताय दयाल गौ दयालिताय दयाल गौ दयालिताय दयाल गौ दयालिताय दयाल गौ मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भोगिलासी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी ससीमा कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष भल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणान्वितो पराभया स्फुरत करे प्रभूत सम्पगालये कदा करि ससीयम कृपा कटाक्ष भाजन अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर भुवम सवे भ्रमं तथा भ्रमं नृकंत बालम निरंतरं वसे कृत प्रतीति नंद नंदनी कदा करि ससीयम कृपा कटाक्ष भाजन करीत सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरो चकोर सावलोचने सदा करि ससीयम कृपा कटाक्ष मदोद्मदादि जौवने प्रमोदमान मन्दिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास फंदिते अनन्न धन्न कुंज राज काम के लिखो विदे कदा करि ससीयम कृपा कटाक्ष भाजन
असे साहब भाव धीरा हेरा हार भोसते प्रभु तसात कुंभ 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 सोस्तन प्रशस्त मंदहास स्वर्ण पौर्ण सौख्य सागरे सदा करी ससेम कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल बाल भल्लरी तरंग रंग दोलते लताग्रलास लोल नील लोचना बलो लल्लुलन मिलन मनोज मुग्ध मोहनाश्रिते सदा करी ससेम कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेक कंभुकंटके त्रिसूत्र मंगलगुण त्रिरत्न दीप्ति देवी सलोल नील कुंतल प्रसूर्ण गोच गुंपिते सदा करी ससेम कृपा कटाक्ष भाजनम पितंब बिंबलंब मान पुष्पमेखरागुणी प्रशस्तरत्नकिंकिणी कलाप मध्यमंजुले करींद्र सुंड दंडिका गरोसौव गौरुके सदा करी ससेम कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्रनाद मंजु नुपुरार भस्खल समाज राज हंस वंसनी पुनाति गौ बिलोल हेम भल्लरी विडम्बि चारु चक्रमे सदा करी ससेम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हे मादृगा कुलोमजा बिरिंचि जाबर प्रद अपार सिद्धि ऋग्धि दीर्घ सत्पदा गोलीनके सदा करी ससेम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी प्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इति माद्भूतास्तवं निशाम्य भानुनन्दिनि करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम् भवेत् दावृजेन्द्र सुन मंडल प्रवेशनम सदा करी ससेम कृपा कटाक्ष भाजनम जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण सुचारु वक्रमंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचार्चितांग चंदनम नमामि नंदनंदन सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंदनंदनम सुनासिकाग्र मौक्तिकम सुछंत दंत पंतिकम नवाम्बुदंग चीकणम नमामि नंद करेण वेणुरंजितं गति करेन्द्र गंजितं सुकुल पीत सोवनं नमामि नंद
खादुते सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणम् नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्धाङ्गसौरभम् मुरारिराजकौस्तुभम् सुराश्रीवत्सलाञ्चनम् नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावनम् सुनागरम् विलासनुगवासकम् सुरेन्द्रगर्वमोचनम् नमामि नन्दनम् प्रजाङ्गनासुनायकम् सदा सुखप्रदायकम् जगन्मनोकलोभनम् नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्दनाष्टकम् पठेजसदयानुकम् करेद्भवाभिदोस्करम् लभे सदाङ्गिजुग्मकम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनम् जय राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय अगोकुलतारुणि मण्डलमोहिते गोकुलतारुणि मण्डल जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे वर्धन भेसे हरि निस्फुट प्रेम दाबिपिने से दामोदर भानुदादे नवसशिलेखे ललित सखे गुण रमित विशाखे वृषभानुदादे करुणा कुरुमाई करुणा भरीते कनक सनातन वर्णित चरिते करुणा कुरुमाई कनक सनातन वर्णित चरित जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari गौर ब्रह्मानंदे हरि होम ज्ञान तिराधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पांचाकल्पतरुर्भ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमावतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि सर्वप्रथम प्रे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कल हमने क्या बोला था याद है? क्या याद है? क्या क्या कारण था? हाँ बोल माता जी बोली बोलो। वहीं पर बैठ कर बोलो। वंदना करने का वैसे बोलो। हाँ नहीं की बात है बोला गया महाप्रभु जो कलयुग में नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए थे क्योंकि कलयुग में नाम ही सब कुछ है। वे हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने हमें प्रदान किया। दूसरे ये ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग में एक बार आते हैं और ये जो कलयुग है ये धन्य कलयुग है जिसमें महाप्रभु आए। और महाप्रभु के आने का कारण ये है कि वे उन्होंने सब तरह के रसों का आस्वादन किया था। अपने जब उन्होंने लीला की थी कृष्ण जन्म में उन्होंने दास्य रस का सांख्य रस का और वात्सल्य रस का सभी रसों का आस्वादन किया था लेकिन वो एक रस से वंचित रह गए थे जो राधा कृष्ण का प्रेम था जो वीर है उस रस का वे आस्वादन नहीं कर सके। उस रस को आस्वादन करने के लिए वे महाप्रभु के रूप में आए। वे बाहर से तो कृष्ण हैं लेकिन अंदर से वे श्री राधा जी ही हैं। वे राधा जी की अंग क्रांति लेकर के संसार में आए और उन्होंने उस रस का आस्वादन किया
जो राधा जी उनके विरह में विचलित रहती थी, वही रस भगवान ने इस धराधाम पे आकर के खुद भी आत्मसात किया और हम लोगों को भी प्रदान किया और हम महाप्रभु की धारा में हैं। हर युग में कोई ना कोई भगवान के लिए महामंत्र होता है, लेकिन इस कलयुग में जो जीवों का उद्धार करेगा वह एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल इसी मंत्र से हम सब जीवबद्ध जीवों का उद्धार। हरे कृष्णा। हमने कल क्या सुनाया था, तुम्हारा याद है चिराग? कल मैंने क्या सुनाया? थोड़ा सा याद है। तुम था नहीं कल? हाँ कल। बाहर से थोड़ी ना कृष्ण ही है, अंदर मतलब अंदर से अब तो कल मैंने क्या सुनाया था इसको बोला? महाप्रभु के अवतीर्ण अवतीर्ण क्यों हुए? हाँ। उसके लिए हमने चार कर्म क्या बताए थे? पहला यदा यदा ही धर्मस्य, इसको पालन करने के लिए। दूसरा नाम हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। ठीक है, इसलिए कल मैंने एक श्लोक बताया था, कृष्ण वर्णम। हाँ बोला, किसको याद है? बोला नहीं, इसलिए ये श्लोक है ना, ये श्लोक हो सके तो याद कर लेना, जो याद कर सके याद कर लेना, ठीक है? तुम भी याद कर लेना, ठीक है? ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भगवान रूप में आए, इसका ये बहुत अच्छा प्रमाण श्लोक है, हैं? इसलिए जब नेमी महाराज प्रश्न किया कलयुग में अवतार कौन है और उनको कैसे उपासना की जाएगी, तब उन्होंने ये श्लोकों को, उन्होंने वहाँ तीन चार श्लोक दिया गया, लेकिन ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, हैं? इसलिए गतकल हम लोगों ने इसी विषय पर हम लोगों ने श्रवण किया था। कहते कि अनंत किसी बिरंची ऋषिगण, जत अवतार रे पार्षद आप्तगण, कार जन्म नव दीपे कार चाटी ग्रामे, केह राढ़े ओढ़र देशे श्रीपाठ वैष्णव। अब यहाँ बर वृंदावन दास ठाकुर वर्णना कर रहे हैं, भगवान जैसे श्री भगवान जब आते हैं वो अकेले नहीं आते, पूरा अपना परिकरों को साथ में वो आते हैं। कहते उनको साथ में कौन कौन आए? बोले कि अनंत, कहते साक्षात श्री अनंत देव आए। कहते और कौन आए? बोले शंकर जी स्वयं आए, हैं? अनंत देव कौन है? कहते श्री नित्यानंद प्रभु आए। शंकर जी कौन है? श्री सदाशिव। कहते श्री अद्वैताचार्य आए। कहते कि बिरिंची ब्रह्मा भी आए, किस रूप में? श्री हरिदास ठाकुर रूप में ब्रह्मा जी आए। कह जितने ऋषि लोग थे वो सब ऋषि लोग आए, हैं? इसलिए उनका अपना जितना मैया सची मैया श्री नंद श्री जगन्नाथ मिश्र जितने उनका परिवार के लोग सबके सब पहले आ गए। लेकिन कहाँ कहाँ जन्म हुए? कुछ तो भक्त लोग श्री नवद्वीप में जन्म हुए, कुछ कुछ चाटी ग्राम एक स्थान है, कुछ वहाँ पर जन्म हुए, कुछ राढ़ देश में जहाँ नित्यानंद प्रभु जन्म हुए। आप लोग गए हो एक चक्र ग्राम? एक चक्र नहीं गए ना? इसलिए कोई महाप्रभु श्री राढ़ देश में, कोई उड़ीसा देश में कोई जन्म हुए, कोई श्रीहट में, कोई पश्चिम तीर में। कहते गंगा तीरे पुण्य स्थान सकल थाकिते, वैष्णव जन्म एक न शौच देश थे। यहाँ के प्रश्न कर रहे हैं, कहते यहाँ पर महाप्रभु जब आए स्वयं उन्होंने श्री गंगा किनारा में जन्म लिया। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पर तो जब गंगा किनारा सबसे पवित्र मानी जाती है और नवद्वीप धाम महाप्रभु का जन्म स्थान है। कहते नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवन नाही, नवद्वीप जैसे धाम त्रिभुवन कहीं नहीं जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए। लेकिन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, इतने पवित्र स्थान रहते हुए भी लेकिन कहीं कहीं महाप्रभु का भक्त लोग शौच देश, शौच मतलब जहाँ अपवित्र स्थान है, हैं? जिस देश अच्छा स्थान नहीं है, जहाँ पर पांडव लोग नहीं गए, ये पांडव लोगों का वनवास क्यों हो गया,
भक्तों का ही वनवास होता है, और कृष्ण जिनके घर में निवास करते हैं उनको 13 साल तक जंगल में भटकना पड़ा। क्यों? कारण क्या? बोले ये कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण चाहते हैं ये पांडव लोग, कृष्ण का परम भक्त है। ये लोग जब चारों तरफ में घूमेंगे, जहाँ जहाँ इनका चरण पड़ेगा वो स्थान पवित्र हो जाएगा। इसलिए कृष्ण जान बूझ करके ये जुआ खेलवा करके इनको हराया कृष्ण, नहीं तो भक्तों को ही हरा सकता है। इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं, अर्जुन मेरा भक्तों का विनाश नहीं, मेरे भक्तों को कोई हरा नहीं सकते हैं, कोई हरा नहीं सकते मेरे भक्तों को। इसलिए फिर इनको वनवास कैसे हो गया, फिर ये वनवास में कैसे गए? आप लोग महाभारत देखे होंगे ना, जब विराट युद्ध हुआ है, जिस समय ये लोग अज्ञातवास में थे, ये अज्ञातवास में 5 पांडव थे, अकेला अर्जुन सबको परास्त कर दिया। ऐसे सनमोहन बाण मारा सबको, सबको परा अकेला अर्जुन। फिर ये 5 भाई अगर मिल गए तो क्या नहीं कर सकते थे बताओ। लेकिन इनको फिर जंगल में 12 साल तक भटकना पड़ा, 1 साल तक अज्ञातवास में। क्यों? बोले ये कृष्ण का इच्छा है, ये कृष्ण की इच्छा, क्योंकि ये सब जगह पर जाए, जाने पर इनका चरण धूलि पड़ेगा, वो स्थान पवित्र हो जाएगा। इसलिए कृष्ण जान बुझ कर हराया और उनको 12 साल तक घुमाया भगवान कृष्ण। सारे कृष्ण नटखट करते साहब, इसलिए कहते दूसरों को कल्याण करने के लिए भगवान ने ये सब काम किया है। इधर इसलिए यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, ये फिर महाप्रभु जब आए, जहाँ जहाँ पांडव तो गए कल्याण हो गया, लेकिन जहाँ पर पांडव गए नहीं हैं, जहाँ पर पांडव लोग नहीं गए, फिर उन्होंने क्या सब वैष्णव को जन्म दे दिया महाप्रभु ने। हैं आप लोग श्रवण कुमार का नाम सुने होंगे ना, जिस समय श्रवण कुमार अपना पिता माता को ले जा रहा था, जाते जाते हठात एक नई नदी पार होने का स्थान आया तो वहीं पर रुक गए, और श्रवण कुमार ने पिता माता को गाली देने लग गया। बोले अंधे पिता माता, इनको जिंदगी भर कंधे पर ढो ढो कर जीवन हमारी बर्बाद हो गया, हमने खुद शादी नहीं किया, संसार भोग नहीं किया, इनको पीछे हमारे जीवन बेकार, अब तुम सेवा नहीं कर सकते, जाओ जा ही छा। अभी उनको पिता माता ने देखा, हमारा बेटा इतना अच्छा था, इतना बुद्धि परिवर्तन कैसे हो गया, इनका इसका बुद्धि तो कब सहज में बदलती नहीं, इतने पिता माता का भक्त हम उदाहरण देते श्रवण कुमार हैं, उदाहरण देते हैं ऐसे पिता माता को कंधे पर जिसने सारा दुनिया कंधे पर लिया, बोले इसका बुद्धि ऐसे कैसे हो गया। वो समझ गए इसको पिता माता, ये स्थान है कई पांडव वर्जित स्थान, यहाँ पर पांडव लोग नहीं आए हैं, इसलिए ये स्थान अपवित्र स्थान है। इसलिए उन्होंने बोले देखो एक काम करो, अभी कहाँ पर आ गए, बोले कि नदी किनारे में, बोले एक काम करके बोले नदी को पार करके तुम चला जाना, तो जहाँ इच्छा, उनको पता है कि नदी पार हो जाएगा तो पवित्र स्थान आएगा, इसका बुद्धि अपने आप सही हो जाएगा। बोले उसको बाद में आपको कहीं ले रहे, बोले कहीं लेने का जरूरत है, हम छोड़कर चले जाना। लेकिन जब उन्होंने वो नदी पार कर लिया ना, उसका मन अपने आप पवित्र हो गया, अपने आप पवित्र हो गया मन। फिर पिता माता के चरण में गिर पड़ा, हमने बड़े अपराध किया आपका चरण में, मेरी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट कैसे हो गया, माफ कर दो। उनको पिता माता ने क्या बताया, बोले हम समझ गए थे कि किसी स्थान का ही ये प्रभाव है, इसलिए कहीं कहीं जाओ ना आप खुद देखना, मन अपने आप भजन में लग जाता है, और कहीं कहीं जाओ तो जितने मन को लगाओ किसी तरह से ये मन लगती नहीं, किसी तरह से ये मन नहीं लगती भजन में है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, महाप्रभु तो स्वयं जब गंगा किनारा में जन्म ले लिया, फिर वैष्णव लोगों को ये अपवित्र स्थान में क्यों उन्होंने जन्म ग्रहण कराया? तब कहते हैं बोले जे देशे देश से गंगा हरि नाम विवर्जित, जे देशे पांडव नाही गेल कदाचित, सही देशे सही कुले वैष्णव अवतरे, ताहार प्रभाव कोटि जो जन निस्तारे। यहाँ कह रहे हैं जहाँ पर गंगा नहीं, तुम्हारी ये नहर में गंगा पानी बह रही ना, इसलिए उसको पवित्र मानी जाती है, हैं? जहाँ पर गंगा, जहाँ पर इधर पर जमुना ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए महाप्रभु जब संन्यास लेकर जा रहे थे, उनने बड़े दूर तक कहीं हरिनाम कहीं नहीं सुना दूर तक, लेकिन जब हठात एक जगह गए, देखा ग्वाला लोग वहाँ पर जो गैया चरा रहे थे, हरी बोल हरी बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल।
महाप्रभु बोले इतना दूर तक आया कहीं हरिनाम का शब्द नहीं सुना, यहाँ पर हरिबोल हरिबोल कैसे है? ये तो आश्चर्य बात है। देखो भगवान का नाम साधारण नहीं है, हैं? साधारण व्यक्ति हरि का नाम नहीं ले सकते। बोले भैया यहाँ पर हरिनाम कैसे ले रहे? फिर पता चला ये पास में गंगा बह रही है, क्योंकि जब गंगा बहती है उसका जो हवा है ना, अगर वो हवा अगर चले जाकर किसको शरीर में लग जाता है, उसका मन अपने आप पवित्र हो जाता है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते जहाँ पर जिस देश में गंगा नहीं और जिस देश में भगवान का नाम नहीं है और जिस देश में पांडव लोग कभी नहीं गए, उन्होंने क्या किया, एक एक महाप्रभु का परिकरों को उन्होंने वहीं वहीं पर जन्म दे दिया। बोले कारण किया, क्यों जन्म दिया? बोले जब एक भक्त कहीं जन्म हो जाए, एक भक्त कितना महिमा देखो, एक भक्त अगर कहीं जन्म हो जाए, बोले तहार प्रभाव लख योजन निस्तर, कहते उसकी प्रभाव से लख योजन तक, 1,00,000 योजन तक वो स्थान पवित्र हो जाता है। क्योंकि उन्होंने जब ऐसे अपना प्रेम दृष्टि से देखते हैं ना, जितना दूर तक उसका नजर चली जाए, वो दूर जितना दूर तक नजर नजर से कल्याण हो जाता है। जब ऐसे हाथ उठा करके नृत्य करते हैं, स्वर्ग में देवता को कल्याण होता है। जब वो नृत्य करते हैं, इनके चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी भी अपनी आप का धन्य धन्य मानती है। एक भक्त और बड़ो तुम तक कितना भक्त हो गए, सब लोग तिलक कंठी माला सब पहन करके सब हरि नाम कर रहे हैं, मतलब ये बड़ो तो है ना, बड़े पुण्य स्थान हो गया। अजी ये बात है, इस नहर के आसपास कोई भी झगड़ालू व्यक्ति नहीं रहते, उधर से लेके उधर तक कोई रहता है, इधर चले जाओ पट्टी चौधरी में पठानकोट में लोग रोज लट बजे, वहाँ इधर नहीं, हमने नहीं देखा इधर, हम जब से पैदा हुए इधर हमने लट बजता नहीं देखा, सच में इधर हमने नहीं लट बजता देखा, उधर रोज लट बजे, रोज लट बजे। इसलिए जे देश ताहार प्रभाव लख योजन निस्तारे, कहते उसको प्रभाव से लख्य योजन तक निस्तार हो जाते हैं। बोले जे स्थानी वैष्णव गण करे न विजय, सही स्थान है अति पुण्य तीर्थमय। बोले जिस स्थान पर वैष्णव लोग जाते हैं, हैं? भक्त लोग जाते हैं, वैष्णव होनी चाहिए, ये चीज़ को ध्यान रखनी चाहिए। हम लोग क्या सबको साधु बोल देते, नहीं सब साधु नहीं, वैष्णव होनी चाहिए, हैं? वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु को जो आराधना करते हैं, हैं? उनको वैष्णव कहते, इसलिए धर्मशाला का नाम वैष्णव धर्मशाला है ना, हाँ इसलिए अच्छा नाम है। जो भगवान केवल विष्णु को उपासना करते हैं, जो निराकार को उपासना करते हैं, जो योगी है उनके लिए नहीं बताया ये बात, वैष्णव होनी चाहिए, ऊर्ध्व पुंड तिलक होनी चाहिए, गले में जिनकी की तुलसी की कंठी होनी चाहिए, भगवान के नाम जप करनी चाहिए, उसको वैष्णव कहते हैं। गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा पर नरो, वैष्णव का लक्षण बताए, बोले गृहीत विष्णु दीक्षा को, जो विष्णु दीक्षा में जो ग्रहण करे, विष्णु की जो विष्णु मतलब राम कृष्ण और नारायण, ये तीनों को ही विष्णु तत्व मानते हैं और चौथा व्यक्ति नहीं है, राम कृष्ण नारायण, इनको जो केवल भक्ति करते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, अपिचेत शुद्राचार भजंत मांग अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य, ये कृष्ण कहते हैं, वही साधु है। कौन साधु है? कृष्ण खुद कहते हैं जो मेरे को अनन्य रूप में जो भक्ति करते हैं। इसलिए साधु चोला धारण करने पर, ऐसे बहुत साधु जो भीख मांगने के लिए चोला धारण कर लेते हैं, हैं? नहीं, वैष्णव होनी चाहिए, हैं? विष्णु दीक्षा में ग्रहण करनी चाहिए, तभी उनको वैष्णव बताते हैं। कहते यहाँ पर कहते हैं जय स्थान अति पुण्य, जहाँ पर वैष्णव लोग जहाँ चले गए ना, बस पुण्य हो जाएगा। यहाँ पर हमारे, यहाँ पर हमारे कौन आए, श्री माधव महाराज जी आए, तीर्थ महाराज जी आए, और हमारे यहाँ पर श्री, इसलिए यहाँ पर नवीन प्रभु पहले आए, देखो एक वैष्णव पहले आए, नवीन प्रभु पहले, सबसे पहले यहाँ पर नवीन प्रभु आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रचार किया आरम्भ किया, हैं? उन्होंने प्रचार किया आरम्भ किया तो बस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बस सबके सब, सबके सब क्या हो गए, सब भगवान की भक्त बन गए, भजन बन गए, सबके भक्त बन गए। इसलिए
इसलिए यहाँ कहते हैं नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवन नाही जहाँ अवतीर्ण है ल चैतन्य गोसाई। कहते नवद्वीप जैसे धाम त्रिभुवन में है नहीं, क्योंकि जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। अवतरिवेन प्रभु जानिया विधाता सकल संपूर्ण करी थुले न तथा। अरे महाप्रभु नवद्वीप में आएंगे, जन्म ग्रहण करेंगे। अभी ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बोले महाप्रभु जब आएंगे तो उन्होंने क्या किया, पूरा नवद्वीप को उन्होंने हरा भरा करके रख दिया। इसलिए महाप्रभु जब जन्म हुए इनका एक नाम रखा विश्वंभर। क्या नाम रखा? विश्वंभर। विश्वंभर का नाम क्यों रखा? बोले ये बच्चा जन्म होते ही सब लोग प्रसन्न हो गए और किसान लोग खेती में इतने फल पुष्प ऐसे एकदम लद गया हैं, और चारों तरफ का दुर्भिक्ष सब समाप्त हो गया, लोग प्रसन्न हो गए, हरा भरा सब हो गया। इसलिए जिसने विश्व ब्रह्मांड को भक्ति को दरा और खान पान से भर दिया, इसलिए इनका नाम होगा श्री विश्वंभर। इसलिए जिन्होंने जीव के हृदय में भक्ति भी प्रदान की है, इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरा नवद्वीप धाम को पूर्ण बना कर रख दिया। बोले सबे महा अध्यापिक करी गर्भ धरे बालको भट्टाचार्य सने कक्षा करे। यहाँ पर कह रहे हैं जब श्री महाप्रभु आए नवद्वीप में, छोटे छोटे बालक इतने विद्वान, इतने बड़े बड़े विद्वान, छोटे छोटे बालक जो साधारण संस्कृत पढ़ते हैं साधारण, वो बड़े बड़े भट्टाचार्य मतलब बड़े बड़े विद्वान को साथ में तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि इतने इतने वो विद्वान हो गए, क्यों महाप्रभु आने वाले हैं ना, इसलिए महाप्रभु भी बाद में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करेंगे। महाप्रभु कहते नवद्वीप पढ़ले से विद्या रस पाए। जब तक कोई नवद्वीप में आकर के पढ़ते नहीं तब तक उनको विद्या की रस प्राप्त नहीं होता था। नवद्वीप में पढ़ने पर तभी संपूर्ण विद्या रस उनको प्राप्त होता था। बोले रमा दृष्टि पाते सर्व लोक सुखे बसे व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार बसे। इसलिए कहते महाप्रभु आएंगे, इसलिए जो रमा मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हो गई है, सब हरा भरा सब हो गई, क्योंकि भगवान स्वयं आने वाले हैं ना। और लेकिन एक चीज था, लेकिन व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे। कुछ ऐसे लोग थे जिनको भजन भजन से कोई मत, जिनकी मति नहीं था, साधारण व्यवहार रस मतलब खाना पीना सोना अपना दुनियादारी में ही जो लगे रहते थे। कदे शास्त्र पढ़ाया सबे यही कर्म करे श्रोतार सहित जम पास डूबे मरे। कहते कोई शास्त्र पढ़ कर कोई मरता और कोई तरता है, शास्त्र पढ़ करके कोई मरता भी है और कोई तरता भी है। उस समय गीता भागवत यद्य भी कोई पढ़ते थे, लेकिन क्या करते थे, पढ़ाया सबे यही कर्म करे श्रोतार सहित जम पास डूबे मरे। श्रोता को साथ में जम पास में जाकर डूब कर मरते हैं भागवत गीता पढ़ करके भी, क्यों, जब तक ये गीता भागवत रामायण किसी वैष्णव के अनुगत्य में नहीं पढ़ते हैं ना भैया, ये भगवान की भक्ति देने वाले नहीं। गीता भागवत पढ़कर केवल शास्त्र आपस में तर्क वितर्क सब यही करते थे हैं, लेकिन शास्त्र का तात्पर्य जो भक्ति है भजन है ये चीज को पता नहीं चलता था। जैसे महात्मा गांधी ये भी टीका को, उन्होंने भी गीता के ऊपर टीका लिखे, लेकिन किसको ऊपर में, केवल कर्म कर्म भक्ति भक्ति कुछ नहीं, खाओ पियो मर जाओ हैं कर्म करके, और कर्म को ही लास्ट में स्थापन कर देंगे, नहीं कर्म ही सब कुछ है हैं। लेकिन गीता केवल प्रेममय जिसमें केवल भगवान की भक्ति की जिसमें बात बताया, इसलिए बड़े जाओ भागवत पढ़ा वैष्णव स्थानी एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणी चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझीबे तुम्हें सिद्धांत तरंग। मतलब है अगर भागवत गीता पढ़ना तो कहाँ पर जाओ, वैष्णव के पास में जाओ, उनकी अनुगत्य में ये गीता भागवत पढ़ो। देखो गुरुदेव एक अच्छी बात समझाया करते थे, गीता में केवल टोन है, केवल उसमें शब्द है हैं, गीता में केवल शब्द है लेकिन उसका टोन नहीं। गुरुदेव उदाहरण देते थे, देखो कितना बढ़िया उदाहरण है, जैसे हमने कहा राहुल तुम कहाँ गया था, इसका मतलब है हमें पता नहीं वो कहाँ गया था, लेकिन एक ही शब्द राहुल तुम कहाँ गया था,
जब बोल दिया ना, इसका मतलब हो गया तुम जहाँ गया था सही जाना पर नहीं गया था। यही सब तक राहुल, तुम कहाँ गया था हाँ, तुम कहाँ गया था, इसका मतलब तू जहाँ गया था ना ये हमें पता है। देखो उसी तरह केवल वहाँ पर शब्द दिया गया लेकिन टोन नहीं दी गई। इसलिए एक गीता की इतनी तरह का व्याख्या क्यों, सबको एक तरह का व्याख्या करना चाहिए था ना, लेकिन सब अलग 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 व्याख्या क्यों करते, कारण है केवल वहाँ शब्द है टोन उसमें है नहीं। अभी प्रश्न है गीता किसने बताया, बोले भगवान खुद बताए। अभी भगवान का हृदय को कौन जानता है, वैष्णव लोग जानते हैं, भक्त जानते हैं, भगवान क्या बताना हृदय से, क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान कहाँ निवास करते हैं, भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए एक वैष्णव ही भगवान के हृदय को वही जान सकता। भगवान खुद कहते हैं संत मेरे हृदय में, संतों का हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए यहाँ कह रहे हैं हाँ, शास्त्र पढ़ा या शास्त्र पढ़ करके भी लोग जम पास में जाकर के डूब करके मरते हैं। ना व्याख्यान युग धर्म कृष्ण कीर्तन, शास्त्र तो पढ़ते हैं लेकिन जो युग धर्म ये जो हरि नाम संकीर्तन ये बात को कोई नहीं बताते हैं, हैं? केवल पढ़ते थे, केवल पढ़ते थे हैं। इसलिए कहते जे सब विरक्ति तपस्वी अभिमानी ता सावार मुखे नाही का हरिध्वनि। लेकिन उस समय में अब अभी भी देखना वृंदावन में क्या कर देखोगे, वहाँ पर सब लाल कपड़ा पहन करके, क्यों लाल कपड़ा पहने, वहाँ पर खाना मिलता है खाना मिलेगा, नहीं तो लाल कपड़ा नहीं पहनेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, जिस समय जो खाना लेने जाते हैं वो लाल कपड़ा पहन लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जेबा सब विरक्ति, अगर अपने आप को जो कहते हम बड़े विरक्ति है हैं, हम तो एकदम विरक्ति संत हैं, हम किस चीज़ को ग्रहण करते हैं, कोई कहता हम बड़े तपस्वी हैं हैं, कर जो अभिमान करते थे हम विरक्ति तपस्वी हम हैं उदासीन, तरह तरह का सब नाम है नाम देते हैं, लेकिन तासवार मुख है और ना ही का हरि ध्वनि, लेकिन बोलने पर इनका मुंह में कहीं भगवान की नाम कोई नहीं लेते थे हैं, कोई प्रभु की नाम नहीं लेते थे। गीता भागवत जे जनय पढ़ाए भक्ति व्याखन नाही ताहर जीवाए, जे गीता रामायण भागवत पढ़ते थे उनको मुंह में भगवान की नाम नहीं उच्चारण होता था। अगर आपने कुछ भी नहीं करते हो, अगर आपका जीवा में प्रभु का नाम अगर उच्चारण हो रहा है, हरि नाम अगर कर रहे हो ना, समझना सारे ग्रंथ तुमने पढ़ लिया, सारे ग्रंथ पढ़ लिया। अगर सारे ग्रंथ को तुमने पढ़ लिया लेकिन भगवान के नाम ही नहीं कर रहे हो, बोले सारे ग्रंथ पढ़ना भी तुम्हारे बेकार है, मूल है भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि हो जाना बस। अगर ठाकुर का नाम में रुचि हो गई तुम्हारे सब गीता भागवत रामायण का वो मंथन ही भगवान की नाम। इसलिए क्या करो, भगवान का नाम में रुचि रखो, भगवान के नाम को जप करो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे।
जय श्री श्री गुरु गंधर्व का गिरधारी राधा।